गाइस कोशिश करूंगा मैं कि अच्छे से अच्छे आपको लोकेशन पे लेके जाऊंगा और अच्छा से अच्छा सीन दिखाऊंगा मैं इस मुंबई का। तो ये मुंबई का मेरा आज पहला व्लॉग है। ये अंधेरी स्टेशन के बाहर का नज़ारा देख पा रहे हो आप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ, अल्लाह का करम है। सो गाइस, ब्लॉग बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो गाइस, अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी मैं अंधेरी स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, देख सकते हो बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। मेरा फेवरेट जगह है क्योंकि मैं अंधेरी में ज़्यादा टाइम भी रहा हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे बड़ी प्यारी जगह है, ये अंदर का भी सीन देख सकते हो, ये कितना प्यारा बन गया अंधेरी का। अंधेरी स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बन गया अंदर से, या बाहर से भी देखेंगे तो यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, क्योंकि ये मुंबई है भाई, मुंबई में लोग अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हैं। देख सकते हो आगे ये टिकट की खिड़की है और ये यहाँ का सीन देखिए आप, कितना प्यारा लगा। कैसे लगेगा ना, आप किसी बड़े मॉल में आए हुए हो, गज़ब का सीन है। यहाँ पे इतना बड़ा पंखा आप देख सकते हो यहाँ पे छत पे लगा हुआ है, और इतना बड़ा स्क्रीन LED इस पर एडवर्टाइज वगैरह चलते रहता है, तो लोग देखते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो प्लेटफॉर्म के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा प्लेटफॉर्म किधर जाता है, किधर से कौन सी ट्रेन आपको पकड़नी है। दुनिया के लंबे इंसान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये नाला सोपारे के सबसे लंबे इंसान हैं। तो गाइस, मैं भी व्लॉग बनाने के लिए मैं जिस जगह पे हूँ वो आपको गेस करने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा कि मैं अभी नाला सोपारे के एक पहाड़ पे हूँ। ये पहाड़ थोड़ा दिखा दो पीछे से, थोड़ा इधर चेक करो यहाँ पे, बस। सो गाइस, मैं जिस पहाड़ पे बैठा हूँ यहाँ से हमारा घर जो है नीचे दिखता है सिटी, छोटा छोटा बिल्कुल खिलौने के जैसा दिख रहा है। तो व्लॉगिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और पहाड़ों में चले जाते हैं, कभी कभी जंगलों में चले जाते हैं, तो मैं आज पहाड़ पे चला आया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खतरा है, लेकिन अभी सनसेट बाकी है तो हम नीचे चले जाएंगे अंधेरा होने से पहले। और दो बच्चों को भी लेके आए हूँ साथ में, इन्हें भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सो गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना आपको कैसी लगेगी, और अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। जो भी नाला सोपारा के एरिया के हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। सो गाइस, मैं अभी नाला सोपारा आ चुका हूँ अंधेरी से। तो आपने देखा होगा नाला सोपारा का स्टेशन, अभी भी पब्लिक चली रही है यहाँ पे। अभी टाइम दिन के 2:20 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक का आना जाना अभी भी है यहाँ पे, क्योंकि ये मुंबई है ना, मुंबई सपनों की नगरी है, यहाँ पे लोग 24 घंटे भागते ही रहते हैं। इस भीड़ भरी शहर में लोग बहुत सारे सपने लेके आते हैं, कितने लोगों के सपने सच भी हो जाते हैं, कितने लोग मेहनत अभी भी कर रहे हैं और कितने लोग हार मान के चले जाते हैं। तो गाइस, हम भी हार मानने वालों में से नहीं है, हम भी मेहनत करेंगे यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि हमें भी कुछ ना कुछ एक मुकाम हासिल करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं हम कि वो हमारी कमाई में, हमारे मेहनत में बरकत करें। ये नाला सोपारा स्टेशन से जैसे नीचे आप उतरते हैं, देखते हैं यहाँ पे दाहिने बाएँ हाथ में आपको ये इतना बड़ा बाइक का पार्किंग स्लॉट मिल जाता है। तो यहाँ पे लोग बाइक पार्क करते हैं, इतनी महंगी महंगी बाइक देख सकते हो, ऊपर से कुछ है नहीं लेकिन फिर भी पार्क किया हुआ यहाँ पे, धूप से पानी से कुछ भी बचने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करे, कोई यहाँ पे पार्क किया हुआ है। गाइस, इतनी महंगी महंगी बाइक लोग खरीदते हैं और यहाँ पे पार्क करके जाते हैं, देख सकते हो आप पीछे। तो मैं आ गया हूँ अभी ब्रिज के नीचे यहाँ पे, यहाँ से मैं रिक्शा पकड़ूँगा और ये रिक्शा पकड़ के मैं जा रहा हूँ, देख सकते हो ब्रिज के साथ नीचे नीचे से, ये देख सकते हो पहाड़ के बीचों बीच हम लोग जा रहे हैं। अभी आ गया हूँ मैं गोराईना का नाला सोपारा अपने रूम के पास, ये यहाँ का चौराहा देख सकते हो पीछे।
ये गोराई नाका से लेफ्ट की साइड में यहाँ से कट है, यहाँ पे जोया हॉस्पिटल के साथ से ही, तो यहाँ से हम निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कितना पानी लगा हुआ है, थोड़ा कचरा है यहाँ पे। रोड हमारा अभी यहाँ पे बना नहीं है, थोड़ा सा ख़राब है, बाकी ठीक था, लेकिन ये आगे हमारा रूट सही बना हुआ नहीं है। देख सकते हो ये आगे हमारे रूम पे जाने की जगह है, ये रास्ता है। तो दिखाता हूँ यहाँ पे मुर्गी है कुछ, और ये हम पहुँचने वाले हैं अपने रूम पे। तो अभी दिन के 3 बजने वाले हैं और मैं आ गया हूँ अपने रूम पे। ये हमारा गेट देख सकते हो, अंदर जा रहा हूँ। ये हमारी बाइक सामने पार्क की हुई है, देख सकते हो यहाँ पे कवर किया हुआ है, और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ अभी। ये मेरा रूम है, अभी मेरी बहन है अंदर, तो मैं आ गया हूँ। काफ़ी थका हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ठंडा लग रहा है क्या तेरे को? तो दोस्तों मेरे घर के बाजू में ही देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ है, मैं पहाड़ पे अभी जा रहा हूँ। पहाड़ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। लगभग 200 फीट के ऊपर आ गए हम लोग ना। अभी यहाँ से देखो सब छोटा दिख रहा है, यहाँ से सिटी एकदम बिल्कुल छोटा दिख रहा है ना, दिख ही नहीं रहा है, छोटा छोटा ऐसा लग रहा है खिलौना है। अभी और पसीना आ गया, बस आ गया। तेरे बाबा गाइस, ब्लॉगिंग का यार अलग ही नशा है। हम 300 फीट ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से देख सकते हो वहाँ पे पीछे सिटी दिखाई नहीं दे रहा है, और ये बच्चे भी थक गए हैं और हम लोग भी थक गए। गाइस अभी मैं कितने ऊंचे पे खड़ा हूँ, मैं आपको पीछे वाले कैमरे से पहले दिखाता हूँ कि नीचे का सिटी किस तरह से दिख रहा है। अभी जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ, मैं ये नाला सुपारा का पहाड़ है। गाइस यार आप यहाँ से नीचे देखिए, आप पहाड़ हम लोग कितने ऊपर हैं, अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि घर छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ से, तो कितने ऊपर होंगे हम अंदाज़ा लगाना मुश्किल है यार। यहाँ से देखने पर डर भी लग रहा है हमको, लेकिन एक मज़ा भी आ रहा है क्योंकि शाम का टाइम है ये, और थोड़ा सनसेट बहुत प्यारा दिख रहा है यहाँ सामने से। तो इसकी वजह से मेरा मूड बन गया कि ब्लॉगिंग में अपना ऐड करेंगे थोड़ा सा पहाड़ का सीन। और बहुत लोगों को जिसको पहाड़ बहुत पसंद आता होगा यार, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर करते जाना, अगर चैनल पे आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते जाना यार। और ये देखिए आप सामने से, इस पर ऊपर थोड़ा थोड़ा हरियाली भी है, और कुछ लोग हैं इस पर जो वीडियो बनाने के लिए भी आते हैं और फ़ोटोशूट के लिए भी आते हैं। देख सकते हैं सामने कुछ लोग यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, तो काफ़ी प्यारा नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं सनसेट अभी। गाइस कोशिश करूंगा मैं कि अच्छे से अच्छे आपको लोकेशन पे लेके जाऊंगा और अच्छा से अच्छा सीन दिखाऊंगा मैं इस मुंबई का। तो ये मुंबई का मेरा आज पहला व्लॉग है आपके बीच में, तो मैं आज काफ़ी जगह पे थोड़ा थोड़ा गया हूँ, ज़्यादा नहीं जा पाया हूँ क्योंकि एक दिन में कहाँ कहाँ जाएगा कोई। मैं अंधेरी गया था, गाइस मुंबई में समय निकाल के वीडियो बनाना, सबसे पहली बात तो काम करने के लिए यहाँ पे समय बहुत ही मायने रखता है, और हम उस समय में से निकाल के वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक अलग बात है। क्योंकि मुंबई नगरी में आपको पता होगा, आपके घर के कोई भी लोग अगर मुंबई में होंगे तो उनको पता होगा कि समय की अहमियत क्या होती है, और जिसको समय की अहमियत नहीं पता होगा वो कभी एक बार मुंबई में आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि समय की कीमत क्या होती है। यहाँ पे गाइस एक एक सेकेंड का और एक एक मिनट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो समय ना ख़राब करते हुए आप जहाँ भी रहते हो समय की कदर करें और समय की अहमियत को ज़रूर समझना चाहिए। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं, काफ़ी ऊपर आ गए थे तो बहुत आराम से उतरना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे कितना स्लोप है, हाँ बच्चे एकदम आराम से उतरना पड़ेगा, अगर पैर थोड़ा भी स्लिप किया तो समझ लो हम लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुँच जाएंगे और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे बच्चों लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको यहाँ पे लोकेशन दिखाए पहाड़ का। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। उम्मीद करूँगा कि इससे अच्छा व्लॉग बनाऊँगा और एक नए लोकेशन पर लेके जाऊँगा। गुड बाय, बाय बोल दो। बाय।